तो अभी मैं इस तरह से इसमें मधुबनी ड्रॉ की है और मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताऊंगी। होता है उसमें ब्लू कलर जो बोल्ट डार्क एकदम चटकीले रंगों का यूज़ किया जाता है, तो मैं ये ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब हम थर्ड इसमें आया लेयर पे, जिसको मैं ग्रीन कलर से कंप्लीट करूँगी। अब इसके साथ मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया जाए, तो इस तरह से मैं थर्ड लेयर ये कंप्लीट करूँगी। मैं पूरी तरह से ट्रेडिशनल नहीं बना रही हूँ, पर पैटर्न मैंने मधुबनी का लिया है। अब हम नेक्स्ट वाले लेयर्स की बनाते हैं। इस तरह से देखिए ये कंप्लीट कर दिया है मैंने, और अब मैं मिरर वर्क्स देखिए मैंने स्टार्ट किया है, तो इसमें ऐड किया है ये देखिए मिरर्स का यूज़ किया है मैंने इसमें, उसकी खूबसूरती थोड़ी और इन्हेंस करने के लिए, जो कि आजकल अभी ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है मिरर वर्क्स देखिए। और ये भी मैंने ये शॉर्ट्स में ये वीडियो डाली है, ये देखिए ये जो कि मैंने चकले पे बनाया था, ये वेस्ट सब चीज़ों का मैंने यूज़ किया है, जो पर पुराना कलश होता है उसमें वेस्ट बॉटल होती है उस पर, और इस तरह से ये देखिए यहाँ तक कि इवन ये देखिए ये मेरे पास हमारा जो बहुत पुराना मेरे दादा के समय से ये लकड़ी का बॉक्स है उनका बहुत पुराना, ये देखिए तो उसको मैंने ये रिपेंट करके और इस तरह से मैंने इस पर एक्रेलिक कलर से पेंटिंग ये मधुबनी बनाई थी। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। और आप भी इसमें कोई आपके पास वेस्ट तवा या कोई भी चीज़ किचन में वेस्ट है तो आप उसको अदर भी कुछ सामान आपको लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं या कुछ भी है आप उनका यूज़ करके और कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो जो कि घर को एकदम नई लुक देगा और ऐसी चीज जो कि आप कोई भी डिजाइंस बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से है ये, तो मैंने तो कुछ और भी मेरी बहुत सारी चीजें जो मैं बनाती रहती हूँ तो मैं वो आपको अदर वीडियो किसी में पूरी शो करूंगी कि मैंने क्या क्या वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। और वॉटर वर्क तो बहुत सारा किया हुआ है इसमें, पेंटिंग यही एक्रेलिक कलर्स का यूज करके मैंने पेंटिंग्स बनाई हुई है। अब इसमें वार्निश अप्लाई करना बाकी है क्योंकि ये मैंने आज ही कम्प्लीट किया है और ये इन्हें भी 2-3 दिन पहले ही कम्प्लीट किया है, तो अभी अच्छे से ये वाले तो ड्राई हो गए हैं तो मैं इनको अब वार्निश इस पर अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं इस तरह से इसको कंप्लीट करके फिर मैं इन्हें हैंग करूंगी। तो इस तरह से आप भी अपनी घर से, मैंने इस तरह से ये कंप्लीट कर दिया। ये जो ग्रीन कलर है ये अच्छे से भी इसमें आ नहीं रहा है, जो कि इसमें पिस्ता ग्रीन कलर मैंने किया है। तो इस तरह से ये देखिए ये बॉटल्स के ऊपर सिंपल मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करके ये देखिए मारना आर्ट और एपन बनाई है और इधर मैंने मधुबनी बनाई है। तो इस तरह से यहाँ वर्ली बनाने की कोशिश की है और ये बॉक्स पे लकड़ी का जो ये बॉक्स है तो इसको मैंने इस तरह से, इसको तो हो गए हैं 2 साल, ये मैंने 2 साल पहले पेंट किया था। तो इस तरह से है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।